जड़े पंडित और जड़े साधु थिले। दुहें सांग होई बुली बाहरिले। गरम दिन थिला। दीपहर बेल दुहें को शोष कला किंतु आखपाखे केउंटी पानी नथिला। भोक भी लगुला। मन को मन पलाव कथा भाभी भाभी दुईज आग को जाऊँ। रास्तार जड़े तेजराती दोकानी सहित से देखाला। से भी शोषिला और भोकिला थिला। तीनिहे मिसी ठीक कले जे रास्तार जहाँ किसी खाइबा को मिल सामान सामान बांटी नेबे। चालू चालू बाटर गोटे आखु क्षत पड़ा। प्रथमे पंडित क्षेत्र पहुँचले और कहले नारायण नारायण। आखु छासी भाविला ए भिकारी गुड़ाक कौटू चली आसुंच। एठार तो किसी भर्ती भंडार ना देदेवे और से चलीजे। से ब्राह्मण को तड़ीदेला। एवं लेंगुटी पिंधा साधु क्षेत्र पहुँची कहले अलेख निरंजन। एक कथा शुणी कृषक भाविला ए अभागा देश में एमती हाथ पदेवा लोक कम नहांती। एबे काहाकु देवी ओ केते देवी। से बाबाजी को भी तड़ीदेला। एबे तेजराती दोकानी पाली पड़िला। से क्षेत्र पहुँचला और कृषक को पचारिला श्रीमान ए आखरु केबे गुड़ तैयारी हो। कृषक कहला सेठ जी आपण केते गुड़ किनिबे। दोकानी कहला एई 100 मण खंडे। कृषक मन को मन भाविला याकुजे कहती भाग्य। कृषक और सेठ जी दुहें मिसी गुड़र दाम ठीक कले और ओजन कर दिन मध्य पक्का कले। विदाय नेबा पूर्वर दोकानी कहला श्रीमान सौदा तो ठीक है गला। किछि नमूना देबेनि कि? कृषक 20टी बढ़िया आखु उपाड़ी दोकानी हाथ में देला। फेरिबा परे बंटा बंटी काम आरंभ हैला। समस्त को सामान सामान भाग मिलवा दरकार किंतु कुटिल दोकानी गोटे कौशल कला। किसी चिंता करुथिवार देखाई होई से कहला शुण बंधुगण शास्त्र लेखा होईची कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को आम प्रथम भाग देवा कथा। एहा कही से 20टी आखुर ऊपर भाग काटी पंडित जी को देदेला। पंडित जी निज भाग को खुशी रे स्वीकार कले। पुणी दोकानी कहला शास्त्र लेखा अच्छी कि दोकानी को मझी भाग मिलवा दरकार। यह कही से आखु खंडर मझी भाग काटी निजपाई रखीदेला। एवं आखुर तल भाग थिला। दोकानी कहला शास्त्र तृतीय वचन यह कि साधु महाराज चेरवाला अंश सबुठार भल कारण चेर असल शक्ति रही जड़ी बूटी तो याची। दोकानी कौशल करी रसर भरपूर भाग को निजपाई रखिला। पंडित और साधु को भी से खुशी करदेला। समस्त आनंद रे निज निज घर को फेरीगले।